देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये क्वेश्चन है डीएसएस का, लैप जॉइंट का। डिजाइन द लैप जॉइंट फॉर द प्लेट, एक प्लेट है जिसका साइज कितना है, 100 × 10 हंड्रेड mm, बाय टेन है, और दूसरी प्लेट का साइज कितना है, एटी एट्टी बाय बाय टेन एम एम टेन एम एम। टू ट्रांसमिट 120 किलो न्यूटन फैक्टर लोड दिया है, पीयू दिया ना, फैक्टर लोड, 120 kN। ठीक है। यूजिंग सिंगल रो ऑफ 18 mm डायमीटर बोल्ट, डायमीटर बोल्ट कितना है, 18 दिया हुआ, तो अठारह डी नॉट क्या देगा, 18 + 2 = 20 जी। 20 हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग ग्रेड 4.6 का बोल्ट है, तो ग्रेड 4.6 बोला मतलब एफ यू बी कितना हो जाएगा, 400 Nm² पर एम एम स्क्वायर। एंड प्लेट ऑफ एफ ई 415 नहीं है, वो 410 होता है, स्टील में 410 चलता है, हाँ, तो प्लेट का जो ग्रेड है वो एफ ई 410 का ग्रेड है, उसका FB अल्टीमेट F स्ट्रेस कितना, 400 10 kN² न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। पलटो, हाँ सर। सबसे पहला स्टेप था इसका डिजाइन शीयर स्ट्रेंथ, या सिर्फ सिंपल शेयर स्टैंड लिखा तो चलेगा, समय ठीक है चलेगा ना, नहीं लिखू तो डिजाइन सीयर इनको हाँ इस डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट बोल्ट लिखो, डायरेक्ट वीडीएस भी लिखा तो चलता है, वीडीएस भी क्या एफ था, यू एफ बी यू बी बाय गामा √3 × RB एम बी इंटू एन एन एल एन ए एन बी प्लस NS प्लस इंटू एन ए एस एस बी ए एस बी। अभी जो लैप जॉइंट होता है ना, लैप जॉइंट प्लेट का साइज दिया अपने को, याद रखना लैप जॉइंट में, जैसे ये लैप जॉइंट बोलते हैं, ऐसा बोलते लैप जॉइंट, ये बीच में बोल्ट डाला, बोलो सिंगल शेयर रहेगा कि डबल शेयर रहेगा, सिंगल सिंगल शेयर, सिंगल शेयर में एनएन कितना होता है, वन, वन एनएस कितना होता है, जीरो। जीरो ये लैप जॉइंट याद रखना सिंगल शेयर होता है इसमें हमेशा, तो वीडीएस भी निकाल लो, 400 एफयू भी है 400, रूट थ्री वन वन बाय टू पॉइंट टू फाइव जीरो फाइव वन इंटू ए एन बी का पॉइंट सेवेंटी फॉर्मूला क्या एट था, 78, फाइव बाय 4 × 18 बी का का स्क्वायर स्क्वायर, डी है 18, एन एस आर टर्म कट जाएगा वो जीरो है, 36.67 × 10³ वीडीएस भी कितना रहा, 36.67 × 10³ टेन की पावर थ्री आएगा न्यूटन में, मतलब न्यूटन ये बन थ्री जाएगा सिक्स किलो न्यूटन हाँ न्यूटन। बोलो यहां तक क्लियर है। अभी दूसरे स्टेप में निकालेंगे बेरिंग स्ट्रेंथ, VDPB हाँ वीडीपीबी बोलते इसको, इसका फॉर्मूला क्या था, 2.5 × KB इंटू टी इंटू हाँ डी रूटी एफ एफ यू यू बाय अपॉन 1.25। गामा एम बी बोल लिखो पहले, अच्छा हाँ अभी केबी निकालने के लिए पहले ई मिनिमम निकालना पड़ेगा, 1.5 1.5 डी नॉट डी नॉट, डी नॉट कितना है, 20 21 20 आंसर, 1 सेकेंड मेरे को 30 आएगा, हाँ 30 तो ई को तुम 30 पकड़ो, राउंड अप करो, ठीक है, मिनिमम पिच भी निकाल लो, 2.5 D डी डी टू कितना पॉइंट है, फाइव इंटू 18 फोर्टी आंसर बताओ, फाइव फिफ्टी इसको तुम 50 पे राउंड अप कर सकते हो, करूँ क्या, चलो हाँ कर लिया। अभी के बी निकालना है, जी हाँ के बी का फॉर्मूला याद है आपको, E/3D0 एक मिनट, के बी इज लेसर ऑफ, पहले लिखना लेसर ऑफ ई बाय थ्री डी नॉट, ई कितना 30, 30 × 3 × 18 जीरो एटीन नहीं पॉइंट ट्वेंटी फाइव है, देखो फाइव एटीन नहीं है, डी हाँ नॉट सॉरी सॉरी 20, हाँ 0.05 जीरो फाइव, 0.5 आएगा बेटा, चेक सर करो अच्छे जीरो से। पॉइंट फाइव हाँ 0.5 दूसरा है पी बाय थ्री डी नॉट माइनस पॉइंट टू फाइव, एंड टू पी पॉइंट कितना है, फाइव 18 ट्वेंटी पी ट्वेंटी ट्वेंटी 0.58 ये क्रॉस चेक करो आंसर, तीसरा ज्यादा एफ यू बी बाय एफ यू, एफ यू 400 × 400 410 0.975 और एक लास्ट है वन, सबसे छोटा कौन सा, 0.50 जो मिनिमम ठीक है हाँ ये भी मिल गया, अब निकाल लो पीडीपी भी, 2.5 के बी है, 0.5 डायमीटर
डायमीटर कितना है 18। दस हाँ 18 अब सुनो थिकनेस क्या लेंगे, दोनों में से छोटी वैल्यू, अब दोनों सेम ही है, दस हाँ अगर अलग अलग थिकनेस होती तो दोनों में से छोटी वाली चूज करनी पड़ती है वहां पर थिकनेस के लिए, और यहाँ पे दोनों सेम ही है ना। अपॉन 1.2 1.25 73.8 10 की पावर 3 सेवेंटी थ्री न्यूटन पॉइंट एट 10 की पावर 3 यहाँ न्यूटन में, मतलब सेवेंटी थ्री किलोमीटर पॉइंट में एट किलो न्यूटन। न्यूटन। तीसरा स्टेप क्या था, बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू मिनिमम वो होता है मिनिमम ऑफ VDSB और बीडीपी VDPB, दोनों में से छोटा कौन था, ये VDSB छोटा है, हाँ 36.67 किलो थर्टी न्यूटन सिक्स पॉइंट आखिरी में नंबर नंबर ऑफ ऑफ बोल्ट। बोल्ट निकाल लो, फैक्टर लोड बाय फैक्टर बोल वैल्यू हाँ लोड कितना 120 है। ये आएगा 23.27 4 पर राउंड ऑफ 3.27 4 पर राउंड ऑफ। करेंगे यहां तक क्लियर आपको, अब हाँ इसका फिगर बनेगा, फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी बेटा, चार बोल्ड ये बड़ी प्लेट दिखा देते अभी, नीचे प्लेट दिखा देते अभी, एक बोल्ट दो तीन तीन लास्ट चार ठीक है। तो देखो ये यहां से पीछे लेकर यहां तक के लाइन खींचना, ऐसी लाइन खींचना, फिर नीचे जाना, स्ट्रेट लाइन खींचना यहां तक के, फिर ये वाली प्लेट दिख रही है, इसको यहाँ हाँ खींचना, ये वाली प्लेट को यहाँ खींचना, बीच चार में चार होल दिखाना, एक दो दो तीन तीन चार चार, सेंटर लाइन मार्क करना उसका ऐसा अच्छे से प्रॉपरली, सेल से मार्क करना और पेन से ड्रॉ करके ना बेटा अच्छे से, पेंसिल हाँ पेन से चलता कोई दिक्कत नहीं। पिच ई हाँ पीछे कितना 50 और ई है 30 प्लेट का, वेट 100 का ना, 18 हाँ एक प्लेट 100 का, एक 80, और थिकनेस 10-10 का है। हो गया समझ गया, तब मिनिमम लेते हैं ना उसका तो 80 आएगा ना उसमें नहीं, हाइट। डायग्राम ड्रॉ का तो कोई दिक्कत नहीं करता, अच्छा ठीक है करो कॉपी, हाँ सर हो गया मेरा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका वाला प्रैक्टिस में क्या लिखा, डिटरमाइन द बोल्ट वैल्यू ऑफ अ 16 mm डायमीटर बोल्ट है, हाँ डी दिया है 16 mm, तो डी नॉट क्या हो जाएगा, 16 प्लस 16 प्लस 7 2 18 11/8 ऑफ ग्रेड 4.6 बोला, FUB एफ यू बी कितना देना, न्यूटन 400 न्यूटन mm² पर एम स्क्वायर, टू कनेक्ट टू एंगल्स है, यहाँ पे दो एंगल है, क्या लिखा है 90 × 60 × 6 6 mm बैक टू बैक ऑन अपोजिट साइड बोला है, बैक टू बैक ऑन अपोजिट साइड अपोजिट साइड ऑफ अ गसेट प्लेट, गसेट प्लेट का थिकनेस कितना है बेटा 8 का 8 का दिया, ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ बोल्ट एन निकालना है, डायरेक्ट फैक्टर लोड कितना है बेटा, फैक्टर लोड 110 का ना, हाँ पिच कितना 50 mm यानी हाँ है, और एज भी दिया ना तुमको निकाल कर, 40 ड्रॉ द नीड्स के बोला है, 6 मार्क का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, करें स्टार्ट, पहले हाँ मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, या VDSB का फॉर्मूला लिख लो पहले, FUB बाय √3 गामा MB एम डी NN NN AN NS D प्लस NS B D, ये बीच में एक एंगल है, तो बीच में गसेट प्लेट है, बोला है बैक टू बैक अपोजिट साइड, मतलब दोनों साइड पे एंगल है ना, हाँ यहां भी एक एंगल है, यहां भी एक एंगल है, बराबर हाँ बीच पे जाएगा बोल्ट, ऐसा बोलो सिंगल शेयर के डबल शेयर, डबल डबल शेयर दो शेयर NN कितना, NS0 वेरी गुड,
चलो वीडीएस भी निकाल लो, 400 बाय √3, 1.25 ब्रैकेट, एनएन की वैल्यू 2 रहेंगी, एन डी 0.78, 5/4 इंटू डी कितना है 16, चलो निकालो। ये आएगा 57.94 10 की पावर 3 57.94, 10.3 को नाइन्टी कितने फोर न्यूटन लिखूं? जीरो नहीं चलो क्लियर है। अभी हाँ स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना पड़ता? वी डी पी बी VDPB फॉर्मूला क्या था? 2.5 के बी इनटू डी इनटू टी इनटू एफ यू बाय गामा एम बी अभी देखो इसमें याद रखना, ऐसे कनेक्शन में ना थिकनेस जो लेंगे ना यहाँ पर वो अलग आठ है तरीके से उसमें लेना पड़ता है। बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, थिकनेस गिवन है ना सर रुको बता रहा हूँ। KB क्या था? लेसर ऑफ ई लेसर मिनिमम ऑफ, पहला है E/3D0, इसमें E हाँ क्या है ना बेटा, हाँ सर 40 फोर्टी बाय 3 into 18 0.74 चेक करो एक हाँ बार, 40 into 3 into 18 0.74 फोर्टी अपॉन बेटा, फोर्टी हाँ बाय 3 into 18 जीरो पॉइंट अपॉइंट सेवेंटी सर। दूसरा फोर क्या था? P/3D0 माइनस 0.25 कितना? पी 50 है ना 50 है। 0.67 पक्का? 0.67 ठीक एक बार कॉस्ट कर दो। है जीरो पॉइंट 67 ही है एफ यू बी बाय एफ यू 0.975 लास्ट वन चूज मिनिमम चार रुपए से छोटा पड़ता है, ठीक 0.67 है, पलटाऊं? हाँ सर अभी जो VDPB का फॉर्मूला था 2.5, KB कितना? 0.67 है, 0.67 डायमीटर डायमीटर कितना है? 16 16। अब थिकनेस में ध्यान देना बेटा, सुनो, एंगल का थिकनेस कितना है? 6, हाँ ये 6 का थिकनेस है, ये भी 6 है, और गसट कितने का है? 8 8 का। अपना एक बोल्ट दो एंगल से पास हो रहा, दिख रहा दो एंगल, हाँ और एक गसट प्लेट से पास हो रहा, तो यहाँ पे एंगल का थिकनेस ऐड करना पड़ेगा तुमको, 6 और 6 12, 12 और गसट कितने का है? 8 दोनों में से क्या चूज करेंगे? 8 मिनिमम मिनिमम, छोटा याद है क्या आपको? ये हाँ यहाँ पे 8 चूज करेंगे, और ये 410 वन बाय पॉइंट टू फाइव 1.5 निकाल लो। सेवेंटी 70.32 10 किलो न्यूटन यहाँ पे प्रैक्टिस किया था क्या पहले? बोलो हाँ सर 70, 132 किलो न्यूटन ठीक है। आखिरी थर्ड स्टेप बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू मिनिमम ऑफ वीडीएसपी और वीडीपी सुनो, डिफाइन बोल्ट वैल्यू पूछा तो क्या डिफाइन करोगे बताओ? इट इज बोल्ट वैल्यू इट इज, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वीडीपी और वीडीएसपी नहीं ऐसा बोलना, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट, इट इज टेकन एज मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ, पूरा लिख के ना, अच्छा 57.94 छोटा, हाँ आखिरी में निकालो नंबर ऑफ बोल्ट। पीयू बाय बोल्ट वैल्यू पीयू कितना? 110 था क्या 110 हाँ था, 1.88 राउंड ऑफ 2 1.89। हाँ 1.89 है 2 पकड़ हाँ ठीक सकते है, हैं टू पकड़ लिया। अब सुनो, उसका लेबलिंग के साथ फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है, 6 मार्क का क्वेश्चन है ना बैक टू बैक हाँ ये, ऐसा है। एंगल का साइज कितना? 90, 19 60,
और 8। का है। ऐसे लंबी सी प्लेट बनाना है, ऐसे ली ट्रायंगल अपना, नंबर ऑफ बोल्ट कितने, एक दो है ना। पिच कितना रहा बेटा, 50। एच कितना है, 40। 40। चलो बात करो, सो इसका लेंथ, कौन सा लेंथ, लेंथ भी निकालते ना, इसका लेंथ कितने का था? नहीं नहीं लेंथ नहीं दिया ना सर, वो नहीं लेंथ नहीं मार्क करना पड़ता, बस ये मार्क करना नहीं पड़ता है, अच्छा ठीक है। हाँ समझ गया अच्छे से। हाँ सर। एक मिनट, चलो अभी हम लोग वेल्डिंग का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्या लिखा पढ़ दे, कैलकुलेट द, लैब ऑफ वन प्लेट हैविंग साइज 120 mm इंटू 10 mm ओवर द अनदर प्लेट ऑफ साइज 180 mm इंटू 12 mm 180 इंटू 12, ठीक है। विच ट्रांसमिट अ पुल इक्वल टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलर प्लेट। जो भी छोटी प्लेट है, उसका फुल स्ट्रेंथ यूज करना है, ऐसा बोला उसने। अज्यूम फिलेट वेल ऑफ 6 mm साइज एंड वेल्ड इज ऑपरेटेड ऑन 3 साइज ऑफ फील्ड। एक मिनट, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कितना छः। है, 6 mm है। ध्यान से पढ़ना, वेल्डिंग इज ऑपरेटेड ऑन 3 साइड्स ऑफ द ऑन द फील्ड। देखो, वेल्डिंग इज ऑपरेटेड ऑन 3 साइड्स ऑन द फील्ड बोला है, फील्ड फील्ड 3 साइड्स पे वेल्डिंग करनी है, हाँ और फील्ड बोला है, फील्ड मतलब साइड होती है। गामा एम डब्ल्यू कितना देगा, 1.50। 1.5, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखा गया था। यूज यील्ड स्ट्रेस, Fy कितना है, 50 MPa न्यूटन पर एम स्क्वायर, एंड अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, फ्यूज 410 न्यूटन पर, ठीक एमएम स्क्वायर। है। तो ये वेल्डिंग का एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी ध्यान देना। अभी सर वो भी निकल लो, गामा एम नॉट इज इक्वल टू 1.110। हाँ वो यूज करूंगा, यूज करूंगा। देखो अच्छा ये वाले क्वेश्चन में आप हल्का लोगों को हल्का फैक्टर लोड दिया जाएगा, चलता है। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या करो, फैक्टर लोड निकालो। दीदी वी कैलकुलेट द फैक्टर्ड लोड, ठीक है। साइज नहीं, फैक्टर, अरे बेटा लोड निकालना पहले, क्वेश्चन में कितना लोड दिया मालूम है क्या, नहीं नहीं तो पहले फैक्टर लोड निकालो। फैक्टर ओके। लोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा प्लेट का। ए जी एफ वाई बाय गामा एम नॉट एम नॉट। अब ए जी कौन सा यूज करेंगे, छोटी प्लेट का, छोटी वाली प्लेट कौन सी बताओ, 120 × 10। ये छोटी प्लेट है, ठीक है। 120 × 10 का उसका एरिया है, एफ वाई कितना है, 250 बाय 1.1, यहाँ से पी यू निकाल लो, 272.72 10 पावर न्यूटन3 है। अभी सेकंड स्टेप क्या था, साइज ऑफ वेल्ड था। हम इसको उल्टा कर सकते हैं, पहले साइज निकाल दे बाद में पीयू हाँ कोई निकाले, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा ना? हाँ साइज कितना दिया हुआ अपने को, अच्छे 6 mm का साइज दिया हुआ है, तो थ्रोट थिकनेस मिल जाएगा, टीटी 0.72s एस कितना छः है, निकाल लो, 4.2 m mm 4.2 mm। याद, ठीक है। हाँ साइज ऑफ फ्रंट मिल गया। अब हम तीसरे स्टेप में निकालेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड वेल्ड मतलब एल डब्ल्यू, क्या करना, पी यू लेस देन इक्वल टू पी डी PWD डब्ल्यू। हाँ पी डब्ल्यू, पी डब्ल्यू की बात है। पी यू कितना, 272 point ना 27 10 पावर 3, 10 की पावर 3 लेस देन इक्वल टू पी डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, एफ यू बाय गामा 3 × γ mB W हाँ एम डब्ल्यू, into TT into LW।
LWDD, FU है 410 बराबर, रूट हाँ थ्री। सब लोग सुनो बेटा, यहाँ पर उसने फील्ड वर्ड यूज किया था, फील्ड वर्ड, और वेल्डिंग में साइट और फील्ड, सॉरी साइट का मतलब फील्ड होता है, उसकी पार्शल सेफ्टी फैक्टर कितना है भाई वेल्ड का, 1.50 ठीक1.50 है, तो यहाँ पे 1.5 है ना। LW आपको निकालना है, TT है 4.2, इसको सॉल्व करो, LW निकालो, फोर आएगा 411.46 डबल वन पॉइंट 46 मिलीमीटर। ठीक है, ये हाँ समझ सर। गए। सो दिस इज द, ये अपन क्या निकाला, लेंथ ऑफ द वेल्ड निकाल लिया बराबर। अब आखिरी में हाँ निकालना है लैप, अपने को निकालना है लैप, लास्ट स्टेप देख लो बस। बोलो छोटी प्लेट का साइज कितना देवे, 120 × 10 10। देखो ये छोटी प्लेट है 120 × 10 की, 120, और बड़ी प्लेट का साइज कितना है, 180 हाँ ये 180 होगी बराबर। अब देखो छोटी प्लेट को अपने को वेल्ड करना है साथ, तो ये 120 है, तो ये भी कितना देना, 120 ट्रांसफर ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ कहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे, हाँ ठीक है। तो लिखता हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स ट्रांसफर वेल्ड वेल्ड। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेल्ड कितना मिल गया, 120 मिल गया। 120 इसको छोटी वाली प्लेट की विड्थ को देखे और ट्रांसवर्स वेल्ड लगा देना। अब बचा क्या, लॉन्गिट्यूडल वेल्ड इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ऊपर नीचे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड कितना बेटा, 411.46 4.11.46, उसमें से 120 चलेगा ट्रांसफर्स के पास, हाँ तो -120, जितना बचेगा आधा ऊपर आधा नीचे, नीचे टू बोलो 91.46 291.। इसको डिवाइड में पहले उनको माइनस किया है दोनों एक साथ करोगे। अच्छा अच्छा डिवाइड करो, डिवाइड टू करो, ठीक है एक साथ ही करना है ये आएगा 145.73 145.73 से वन इसको तुम फिफ्टी में 150 भी कर लाऊंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 145 भी कर सकते हो, 150 भी कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ ये जो वेल्ड है ये देखा 150, 145 भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लैप जो है ना लैप, ये 150 का लैप मिल गया आपको, समझा। हाँ सर अब आप इसको नोट करो प्रॉपरली, अभी एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लोग वेल्डिंग के ऊपर। हाँ डिजाइन अ सुटेबल फिलेट वेल्ड कनेक्शन फॉर द एंगल, याद रखना एंगल वाला क्वेश्चन, थोड़े से स्टेप्स अलग है इसके, एक का दुक्का स्टेप अलग है। ISA क्या साइज है, 80 बाय 15 to 8 8 mm, ठीक है। विथ इट्स लॉन्गर लेग कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, जो लॉन्गर लेग है ये वाली, ये गसेट प्लेट से लगी हुई है, गसेट प्लेट का थिकनेस कितना है, 8 mm 8 का है। एंगल इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर लोड, PU दिया ना, 270 किलो मतलब 10³ न्यूटन। CXX है 27.5 mm। अज्यूम वेल्ड अप्लाइड ऑन थ्री एजेस, थ्री एजेस बोला, शॉप बोला, शॉप, शॉप मतलब सेफ्टी फैक्टर कितना है गामा MW, 1.25 वेरी गुड, 1.25। FY कितना है, 215 FU कितना है, 410 मेगा पास्कल बोलो, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोलो, बात एक ही है, कितना नोट करो। देवे यार कुछ लिखो अच्छे से, हाँ रुकता हूँ, चलो स्टार्ट करें।
हाँ सर, पहला पहला स्टेप है साइज ऑफ साइज बेल्ट। सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑफ बेल्ट। साइज ऑफ बेल्ट। क्वेश्चन में साइज ऑफ बेल्ट दिया क्या बेटा? नहीं दिया, तो साइज ऑफ बेल्ट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकालेंगे मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट। मिनिमम साइज डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ, मिनिमम थिकर पार्ट है। ठीक हाँ थिकर पार्ट। वेरी गुड, थिकर मेंबर बोल दो। थिकर है, मतलब मोटा। अब देखो दोनों, ये एंगल भी 8 का है, ये भी ये गसेट भी 8 का है, तो 0 से लेकर 10 तक के एस मिनिमम क्या था बेटा? 3। तीन था, तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट 3 mm सर एक का। बार हाँ फिर बोलो। समझाओ, कौन सा था, कौन सा, किसमें देखना पड़ता है, किससे? हाँ बताओ, देखो यहाँ पर थिकनेस है ना थिकर पार्ट का, यहाँ पर ये एस। नहीं, वो डायग्राम, वो क्वेश्चन में से। हाँ हाँ ये देखो, ये 8 दिख रहा है और एक गैसेट का 8, इन दोनों में से बड़ा चूज करना पड़ता है। आप बड़े दोनों सेम ही है, हाँ तो दोनों में सेम है, तो 8 पे लेंगे, 8 पे लेंगे। तो अच्छा, थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट 0 से लेकर 10 तक के क्या था? 3 था ना, 3, 10 के ऊपर, 20 के नीचे, 5, 5, 32, छ, 32, 6, मोर देन 32, 8। 8। ये भी थ्योरी क्वेश्चन में आता है इसमें। ओके, चलो एस मिनिमम मिल गया। दूसरा क्या निकालता है? थ्रोट मैक्सिमम साइज। एस मैक्स। बेटा एंगल के केस में, एंगल के केस में एस मैक्स का फॉर्मूला अलग है, वो है 3/4 ऑफ टी टी मिनिमम, ठीक मिनिमम। 3/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस 8 ही, अभी हाँ, यहाँ 6 छः, मिनिमम, 3 है मैक्सिमम 6 है, तो प्रोवाइड कितना करेंगे अपन? प्रोवाइड साइज इक्वल्स टू 5 हम दे दे, चलेगा? इन दोनों का बीच का देना है। हाँ 3 से ऊपर देना, 6 से नीचे देना। नेक्स्ट टी टी दे रहा 0.7 एस, एस कितना है? 5 है, दे 3.5। 3.5। ठीक है ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? पीओ लेंथ ऑफ वेल्ड पीयू लेस देन इक्वल टू पीटीडब्ल्यू। सामने वाला पीओ वाला वन अरे पीयू दिया ना बेटा, पॉइंट पीयू दिया ना बेटा, हाँ सॉरी, दिए दिए। हाँ निकालेंगे। चलो 270 × 10³ लेस देन इक्वल टू पीटीडब्ल्यू को फॉर्म में क्या था? एफ यू बाय 3 γ mw LW इंटू टी। एफ यू है 410, गामा एम डब्ल्यू कितना है हर्ष? 1.25। 1.25। 1.25 LW कितना निकालना है? TT है 3.5 और यह है 270 × 10³। निकालो आंसर। 407.36, 40। 407.36 mm। ठीक है आप इतना कॉपी करो, मैं वेट करता हूँ। लो करो कॉपी फटाफट, सब लोग कॉपी करो बेटा। चलो अब देखो इसमें 2 स्टेप एडिशनल है, एंगल वाले में 2 स्टेप एडिशनल करने पड़ेंगे, तो तीसरा स्टेप लिखो। अब निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर एमएम लेंथ। क्या निकालेंगे? वेल्ड का स्ट्रेंथ निकालेंगे 1 mm के लिए, इसको मैं बोलता हूँ पी क्यू। क्या बोलता हूँ मैं इसको? पी क्यू। अपना पीडीडब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था? एफ यू बाय बोलो 3 टी LW इंटू टी। टी यहाँ पे LW अपने को 1 mm लेना है, कितना लेना है? 1 mm 1 mm। चलो पुट करो बताओ, 410/√3, 1.25, 1 × 3.5। 662.779 662.79 को 8 पकड़ लो, 79 न्यूटन पर एमएम, समझा? हाँ सर, ये मैंने 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ निकाली। ये स्टेप सिर्फ आपको एंगल में ही करना है और कहीं नहीं करना है, समझा?
लिखो उसको फटाफट, आखिरी स्टेप। अभी आखिरी स्टेप थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान देना। सी स्टेप नंबर 4, स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी स्ट्रेंथ नहीं, टेक द मूवमेंट एट द बॉटम सेक्शन, टेक मूवमेंट एट बॉटम। इसके लिए आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। एक गसेट प्लेट है, ये एंगल है बराबर, कौन सा लेग गसेट प्लेट से लगा हुआ है, लिखा ना। वाई लॉन्गर प्लेन। लेग, लॉन्गर लेग कनेक्टेड टू गसेट प्लेट है, लॉन्गर कितना 80 है ना अपना, और शॉर्टर 50 है और 8 है, और ये अपना एंगल दिवे। हमको ऊपर वेल्डिंग करनी है यहां पर, बीच में वेल्डिंग करनी है, और कहां करनी है वेल्डिंग, नीचे साइड नीचे में। याद रखना नीचे में ज्यादा वेल्डिंग करनी है, क्योंकि जो उसका सी एक्स एक्स दिया ना क्वेश्चन में, सी एक्स एक्स क्या दिया, 270.5। 27.5। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि नीचे की ओर से पास हो रहा है। यहां से लोड पास होना पी यू, इसको डिस्टेंस कितना मिलेगा 27.5 का, ठीक है। ऊपर वाले को ए बोल दो, नीचे वाले को बी बोल दो, और ये बीच का कितना 80 है ना, हाँ ठीक है। बात करो तो डायग्राम, डायग्राम मार्क कर लो। इसमें डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी बेटा, चलो करें स्टार्ट। हाँ सर। मेरे को बताओ, एक एप्पल 20 रुपीज का है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एप्पल 20 रुपीज का है, तो दो एप्पल कितने के हुए, 20 into क्या बोले, 20 into जो भी एप्पल का है, ट्वेंटी 22 किया ना इंटू आपने एट हाँ बेटा। एक एप्पल है 20 रुपए का, तो पांच एप्पल कितने के है, 20 into 5। 22.5 किया, ठीक है। अब यहीं पे सेम एग्जांपल देखो, 1 mm वेल्ड का स्ट्रेंथ कितना बताओ, 6.62.8। एक एमएम का स्ट्रेंथ है 662.8, तो बेटा ए का कितना हुआ, ए का कितना हुआ, 662.8 इनटू इनटू ए, ए। इनटू ए करना पड़ेगा। हाँ लोड तुम्हारा राइट जा रहा, लोड तुम्हारा राइट जा रहा, तो स्ट्रेंथ जाएगा पीछे, उल्टा देगा। एक का स्ट्रेंथ है पी क्यू, ए का कितना होगा, इनटू ए करना पड़ेगा। सिमिलरली ये बीच का 80 का वेल्ड है, 80 का वेल्ड है, एक का स्ट्रेंथ कितना बेटा, डायरेक्ट करो, सिक्सटी टू पीक्यू पॉइंट इनटू एट ए, पीक्यू या लिखो, इन टू ए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 662.8 इनटू ए करूँ, तो यहाँ पे हाँ 662.8 इनटू 80 करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। चलो, नीचे का निकालने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ क्यों। ये जो बॉटम सेक्शन है, बॉटम वाला ये ना, यहाँ पे मोमेंट ले दो, तो चलो मोमेंट लेंगे। देखो ये पीयू वाला फोर्स दिवे, ये नीचे कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। हेलो
आवाज आ रही हर्ष? रही है। ये जो पीयू फोर्स है ये बॉटम सेक्शन में कैसे है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अरे बेटा क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज सॉरी 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 पीयू का फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना जी एक्स एक्स। है? समझा कि पीयू जाएगा क्लॉकवाइज। हाँ सर। हाँ, उसके बाद जो ऊपर का फोर्स है 662.8 A, ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी माइनस 662.8 A इनटू उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल रहा है? 80 का मिल रहा हाँ है। उसके बाद ये वाला फोर्स बीच वाला 662.8 इंटू 80, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 का मिलेगा ना, आधा उसका, हाँ सर। इक्वल टू जीरो कर दो। पीयू कितना है? 270 10 की पावर 3। सी एक्स एक्स है 27.5। 662.8 A इंटू 80 माइनस 662.8 इंटू 80 इंटू 40 इक्वल टू जीरो। यहां से बेटा ए निकाल लो, कैल्सियम इसको एक्स के टर्म में पुट करो। हाँ, 100.03 100 आवर्स एग्जैक्टली आएगा हर्ष। हाँ सर। ए मिल गया, अब बी निकालना है। अपना टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट कितना बेटा? 407 पॉइंट। 36 टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट है 407.36 mm में। बेटे टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड में क्या क्या आता है? इसमें ऊपर का ए आता, हाँ बीच का 80 आता और नीचे का बी भी आता। हाँ इसमें ए भी आ गया, 80 भी आ गया, बी भी आ गया, बराबर 407.36। ए कितना मिला? 100 प्लस 80 प्लस बी इक्वल टू 407.36। यहां से बी निकाल। 227.36 आ गया, इसको 228 पकड़ लो। समझ गया सबको? देखो हाँ नोट करो फटाफट। चलो अभी एक लास्ट में लिस्ट ऑफ द फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो बोल्ट के फॉर्मूले है, बोल्ट में आपको तीन फॉर्मूले याद रखना, ठीक है? पहला VDSB, फॉर्मूला क्या था? FUB बाय रूट थ्री गामा MB NN ANB एनएस ए प्लस एनएसबी NS ASB, ठीक है? सिंगल शेयर में NN कितना होता है? 1 0 1। और NS0 0 डबल शेयर में एन एन 2 NN 2 0 एनएस 0 NS 0। दूसरा VDP भी निकालते हम लोग। बोलो दे, फॉर्मूला क्या था? 2.5 टू पॉइंट फाइव इंटू के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी ये होगा दूसरा फॉर्मूला। उसमें KB क्या था? लेसर ऑफ लेसर ऑफ नंबर 1 E बाय, थ्री डी नॉट डी दूसरा P बाय, बाय थ्री डी नॉट माइनस 0.25 तीसरा एफ यू बी बाय एफ यू और आखिरी चौथा, वन ठीक है? चूज मिनिमम। हाँ, तीसरा था बोल्ट वैल्यू। डिफाइन बोल्ट वैल्यू, बोलो कौन डिफाइन करेगा बोल्ट वैल्यू? मैक्सिमम दिस वन बोल्ट ऑफ VDP एंड VDSB बेटा, बोले पेपर थे पेपर है सॉरी, कल, मैक्सिमम बोलूंगा अभी बोल्ट वैल्यू को। मिनिमम डिफाइन, मिनिमम है ना, मैक्सिमम कैसे होगा? इट इज अ मिनिमम वन बोल्ट इसको डिफाइन करो पहले। इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ, वन बोल्ट इट इज टेकन एज मिनिमम ऑफ VDSB बियरिंग शियर स्ट्रेंथ एंड बेरिंग स्ट्रेंथ। शियर एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ एंड बेरिंग स्ट्रेंथ
ऑफ बोल्ट, ठीक है याद होगा। चलो मिनिमम ऑफ शेल स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग्स। नंबर ऑफ बोल्ट निकालेंगे, फैक्टर पीयू लोड बाय बाय बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू, ठीक है। फिर पांचवा तुम ई मिनिमम का फॉर्मूला बताओ, 1.5 डी नॉट, ई मिनिमम का फॉर्मूला, ये 2.5 डी। क्लियर हाँ है। चलो ये इतने फॉर्मूले तुमको बोल्ट में याद रखना है, वेल्डिंग में तुमको क्या क्या याद रखना, देखो वेल्डिंग में सबसे पहले एस मिनिमम का जो टेबल था वो याद रखना। अच्छा एक क्वेश्चन आएगा दिव्य कि डिफाइन साइज ऑफ वेल्ड, डिफाइन साइज ऑफ वेल्ड याद है क्या, साइज ऑफ वेल्ड क्या था, क्लास में एक चीज पढ़ा है मैंने। देखो साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है, और थिकर एंड थिकर पर नहीं वो। नहीं जैसे मान लो ये एक प्लेट है, फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी क्वेश्चन में, ये अपने फिलेट वेल मारा था, इसको रूट बोलते अपन, हाँ और इसको ये टो तो बोलते, इसको भी टो बोलते, रूट से लेकर टो तक का डिस्टेंस क्या बोलते, साइज रूट से लेकर टो तक का डिस्टेंस साइज, साइज तो लिखो इट इज द डिस्टेंस, लिखो दिव्य लिखो इसको, इट इज द तो डिस्टेंस। परपेंडिकुलर। अच्छा बेटा पहले एक जो बता रहा हूँ वो तो सुन लो, अच्छा अच्छा इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू द तो ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड, ये डिस्टेंस होता है रूट से लेकर टो तक का, हर से याद रखना अच्छे से। ठीक है अब क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि राइट आईएस स्पेसिफिकेशंस फॉर साइज ऑफ वेल्ड एंड थ्रोट थिकनेस टीटी, इनके बारे में पूछता है एग्जाम में, पक्का 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो पहले मैंने साइज ऑफ वेल्ड को डिफाइन कर लिया, अब उसके जो आईएस स्पेसिफिकेशन था वो भी लिखा देता हूँ आपको अच्छे से, आईएस स्पेसिफिकेशंस। बोलो मिनिमम साइज किस पे डिपेंड करता है, हाँ देखो डिपेंड्स ऑन, रो हाँ थिकर ऑफ थिकर पार्टिकल मेंबर। हाँ थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर, ये थिकर मेंबर पे डिपेंड करता ठीक है। तो इसका एक टेबल था याद है, थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर या थिकर पार्ट बोल दो, यहाँ पे एस मिनिमम 0 से लेकर 10 तक के, एस तीन पांच क्या 3 है, फिर 10 से ऊपर 20 तक के 5, 20 के ऊपर 32 तक के, मोर छ देन 32 एट ये टेबल हर याद रखना चाहिए, नोट करो बेटा एक एक चीज नोट करो। हो गया। नोट कर लिया यार, चलो नेक्स्ट का था बेटा, रोड थिकनेस। नहीं मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है ना, अरे हाँ हाँ सॉरी। इट मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड लिखो, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द एज ऑफ कनेक्टेड मेंबर, ये उसके शेप ऑफ एज पे डिपेंड करता है, जो मैक्सिमम साइज होता है ना वो शेप ऑफ द एज ऑफ द कनेक्टेड मेंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है।
नोट किया? हाँ सर, एस मैक्स का फॉर्मूला क्या था? 3/4 इंटू टी मिनिमम। ये 3/4 ऑफ टी मिनिमम, ये फॉर्मूला यूज करना राउंडेड एजेस के लिए, राउंडेड एजेस, फॉर राउंडेड एजेस मतलब जो एंगल हो गया, आई सेक्शन हो गया, इन सब के लिए हम लोग ग्यारह फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला तो याद है क्या? टी मिनिमम वन माइनस पॉइंट फिफ्टी एमएम, ये किसके लिए था? स्ट्रेट के लिए है। स्ट्रेट एजेस के लिए था ये, मतलब जैसे रेक्टेंगल हो गया, उन सब के लिए। ठीक है, ये अगर आया क्वेश्चन तो बड़े प्रॉपर लिख के ना, टेबल ड्रॉ करना, फिगर ड्रॉ करना, और ऐसा पूरा बना कर रहा। हाँ सर, अब बचता थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस क्या है ना, रूट से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप लेंगे, ऐसा रूट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लेंगे, ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ले लो, इसको बोलेंगे टीटी, इसको बोलेंगे टीटी। फिगर वन दिखाओ फटाफट, टीटी को सेकंड थ्रोट थिकनेस बोलो, कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ परपेंडिकुलर ऑफ इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप, कहां से कहां बिटवीन तक? रूफ एंड टो। नहीं, इट इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम रूट टू टो, अच्छा, हाइपोटेनियस, है वो हाइपोटेनियस रूट टू हाइपोटेन्यूस। ऑफ फिलेट वेल्ट। फिलेट वेल के हाइपोटेनियस तक का डिस्टेंस है ना टीटी, हाँ, हाइपोटेन्यूस और टीटी का फॉर्मूला क्या था? एस 0.7 इंटू एस। था। ये है फॉर 90 डिग्री, फॉर 90 डिग्री एंगल ऑफ फ्यूजन। और लास्ट पॉइंट लिखना, टीटी की वैल्यू रिकॉर्ड में दी हुई है, शैल नॉट बी लेस देन 3 mm। थ्योरी में इतना लिख के ना बैठा कराएगा, तो क्वेश्चन जो टीटी है तुम्हारा वो 3 mm से कम नहीं आने को होना। ठीक है, सबको हाँ सर, फिर तुमको अगर फॉर्मूले याद रखने हैं अपना वेल्डिंग में, तो PDW का फॉर्मूला याद रखो, FU/√3 γMW LW into TT, टीटी याद है? LW के दो फॉर्मूले, LW नहीं, γMW की दो वैल्यू 1.25 और 1.5, फिफ्टी ये किसके लिए थी? ये साइड सोक ले और साइड। साइड के लिए। ठीक है, इसमें हाँ इतने सर, फॉर्मूले याद रखने बस। और हाँ, उसमें PU निकालने का फॉर्मूला, PU बराबर क्या था? TDG था ना, यदि ये FU फ्लो बाय है BD गामा एम जीरो। गामा एम नॉट, ये फैक्टर लोड निकालने का फॉर्मूला था। चलो, हो गया। अब हाँ सर, देखिए एक क्वेश्चन आता है इसमें, याद रखना हर्ष, स्टेट द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। हाँ, स्टेट द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। स्टेट द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स इन स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील स्ट्रक्चर्स में अलग अलग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कौन से यूज होते हैं?
ये एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ, अच्छे से याद रखना, तुमको मालूम है ये। जैसे पहला पार्शियल सेफ्टी फॉर यील्डिंग, यील्डिंग में बोलते गामा एम नॉट, वैल्यू कितनी है गामा एम नॉट की जरा, 1.15 1.15। अबे यील्डिंग बोला मैंने, वन वन पॉइंट वन पॉइंट है अरे 1.110। हाँ नेक्स्ट। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर, अगर मैंने बोला अल्टीमेट स्ट्रेस, 1.15 नहीं अल्टीमेट स्ट्रेस तो गामा एम वन बोलते हैं, 1.25 है ये, 1.25 है ठीक है। तो 1.115 किसका था? वो कंक्रीट में, कंक्रीट और स्टील का वाला आरसीसी में। अच्छा वो वाला। हाँ, नेक्स्ट बोल्ट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम बी कितना होता है, 1.25 1.25। चौथा वेल्ड में दो होते हैं, हाँ एक होता है शॉप का, शॉप का कितना होता है, 1.25 और एक होता है साइड का, 1.15 बस इतना याद रखो। और एक आखिरी में याद रखना है तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बकलिंग, याद रखो बकलिंग, ये नया आपके लिए, और वैल्यू सेम है, गामा एम नॉट ही बोलते उसको, 1.10। 10। इतना बस पढ़ो, कोई चिंता नहीं है। समझ गया, हाँ सर। चलो इसको नोट करो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।